सामान्यकरण को किया सपोर्ट, तो वहीं शिल्पा शिरोडकर का भी सच लाया सबके सामने। तो चलिए जानते हैं हिना खान बतौर गेस्ट के। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बिग बॉस 18 में हिना खान बतौर मेहमान बनकर पहुंची हुई है। सलमान ने बड़े ही गर्म मिजाजी के साथ हिना खान का स्वागत किया। इस दौरान हिना ने कहा कि इस खूबसूरत जर्नी से जो चीजें मैं अपने साथ लेके गई हूँ वो है ताकत। बिग बॉस 18 को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। जी हाँ, शो को लेकर काफी दर्शक एक्साइटेड हैं और नया अपडेट सामने आते रहते हैं। ऐसे में कई बार वीकेंड का वार भी बेहद ही खास होने वाला होता है। शो पर एक तरफ जहां सलमान खान कंटेस्टेंट को उनकी गलतियों को लेकर लताड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बतौर गेस्ट में हिना खान भी कई के चेहरे बेनकाब कर रही हैं। ऐसे में हिना के निशाने पर शिल्पा शिरोडकर आई हुई है। तो चलिए जानते हैं हिना खान ने उनके साथ क्या क्या। बिग बॉस 18 में हिना खान अपने दोस्त करणवीर को काफी सपोर्ट कर रही है। वो शिल्पा का पूरा सच भी सामने ला रही हैं। हिना करण से कहती है कि करण, तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो जो दूसरे कर रहे हैं। इसके बाद हिना शिल्पा को लेकर कहती है, ये जो कन्विंसिंग और दोस्ती है ना, वो दिख रही है। जब शिल्पा ने आपको नॉमिनेट किया, मेरा मूड बहुत ही खराब हुआ था। मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसा खेलूंगी। मैंने कई कैलकुलेशन भी किया था, मैं गेम खेलूंगी। आप अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकती। बिग बॉस 18 में हिना खान बतौर मेहमान पहुंची हुई, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता चुकी हूँ। सलमान खान ने बड़े ही अच्छे ढंग से उनका स्वागत किया। इस दौरान हिना ने कहा, मैं बेहद ही खूबसूरत जर्नी से जो चीजें अपने साथ लेकर गई हूँ वो बहुत ही ताकतवर है। इस शो पर मुझे बहुत ही खूबसूरत टैग मिला था। पूरी दुनिया मुझे शेर खान के नाम से जानती है। हिना की बात सुनकर सलमान खान आप कहते हैं, आप हमेशा ही एक टाइगर रही हैं और हर चैलेंज को लेकर आप लड़ती रहती हैं, तो तुम 1000% ठीक हो जाओगी। सलमान की बात सुनकर हिना खान काफी इमोशनल हो जाती हैं। और आप भी हिना खान के लिए दुआ करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको क्या लगता है, हिना खान सही में बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी? और हिना खान बहुत ही प्यारी हैं, आप उनके लिए दुआ जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।